बिन नियमों के रहता है इंसान सदा गुमनाम, अनुशासन से ही बनती है हर व्यक्ति की पहचान। नमस्कार प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब सकुशल होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन तीन शब्दों से बना है, आत्म, अनु और शासन। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ अगर हम लेंगे तो आत्म का मतलब है स्व, स्वयं या खुद, अनु का मतलब है पालन और शासन का मतलब है नियम। तो आत्म अनुशासन का अर्थ हुआ स्वयं ही सभी नियमों का सही से पालन करना। आत्म अनुशासन का अर्थ हुआ स्वयं ही सभी नियमों का सही से पालन करना। तो बच्चों, आज हम आत्म अनुशासन के बारे में ही पढ़ेंगे। आत्म अनुशासन क्या है और आत्म अनुशासन के क्या लाभ हैं और हमें आत्म अनुशासन कैसे अपनाना है, ये हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे। तो बच्चों, आप एक विद्यार्थी हो और विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन सीखे बिना तो शिक्षा का बिल्कुल भी मोल नहीं है, शिक्षा अधूरी है। अनुशासन में रहकर ही आप अपने समय का सही उपयोग करना, गुरुओं की आज्ञा मानना, बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान करना और ध्यान पूर्वक पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन नहीं अपनाओगे तो आपके जीवन का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगा। बच्चों, अनुशासन दो प्रकार का है, बाहरी अनुशासन और आत्म अनुशासन और आंतरिक अनुशासन। बाहरी अनुशासन वो है जो आपके जीवन में जोर जबरदस्ती, डरा धमकाकर, सजा दिखाकर करवाया जाता है, आप पे थोपा जाता है। आपको बाहरी अनुशासन जो है वो दिखावटी लगता है, आपको वो बोझ लगता है। नियमों का पालन अगर आपको बाहरी अनुशासन के द्वारा करवाया जाए, किसी से जोर जबरदस्ती या डरा धमका कर करवाया जाए, तो वो आपको बोझ लगता है। दूसरा अनुशासन है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन वही है जो आपके स्वभाव में रस बस गया है, जो किसी के डर या सजा के खतरे से प्रेरित नहीं होता। आपका मन हो तो आप उस काम को करते हैं और आपका मन अंदर से कहता है नहीं, मुझे यह काम करना है, यह नहीं करना है, क्योंकि यह काम सही है वो गलत है। तो आपके अंदर से जो भावना आती है, आप पर जो काम थोपा नहीं जाता, आप पे जो अनियम थोपे नहीं जाते, आपके आंतरिक मन से वो आते हैं और आप अपने मन से उनका पालन करते हैं, उसे हम कहते हैं आत्म अनुशासन। जो किसी को देख के अगर आप कोई काम कर रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए या किसी के डर से, तो वो आत्म अनुशासन नहीं है। ठीक है, अगर आपको टीचर बोल रहा है ढंग से बैठो, हिलो मत, तो वो आप सोचते हो वो अनुशासन है, वो अनुशासन नहीं है, वो आत्म अनुशासन नहीं है। वो बाहरी डर की वजह से आप जो है वो उस काम को करते हो। तो आंतरिक अनुशासन, आत्म अनुशासन वो है जो आपके कल्याण के लिए है, आपका पूर्ण विकास के लिए है। आप जिन अनुशासन का नियमों का पालन करते हैं, अगर वो आपके आत्म अनुशासन से आते हैं, अगर आपके भीतरी मन से आते हैं, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाते हो। डरा धमकाकर आप पे थोपा हुआ अनुशासन जो आप किसी को दिखाने के लिए करते हो, वह आपके किसी काम का नहीं है। तो बच्चों, हमेशा आपको आंतरिक अनुशासन लाने का प्रयास करना चाहिए। आपको हमेशा अपने शिक्षकों और माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित दिनचर्या की तरह साफ पानी पीकर शौचालय जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, दांतों को साफ करने के बाद नहाना चाहिए और पूजा पाठ करने के बाद ही आपको अपना भोजन जो है वो करना चाहिए। शिक्षक जो द्वारा दिया गया काम अगर आप समय पे कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो और सुंदर लिखावट में कर रहे हो, तभी आपका आत्म अनुशासन जो है वो माना जाएगा। जो अब आपको अनुशासन तो समझ आ गया, परंतु आपको ये नहीं पता होगा कि आत्म अनुशासन पैदा कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताने जा रही हूँ। आपका सबसे पहला नियम है एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना। तो आप अपने लिए एक नियमित दिनचर्या बना लीजिए जिसका पालन आपको करना ही करना है। आपको व्यर्थ के कामों में नहीं ध्यान देना, आपको उसी नियमित दिनचर्या का पालन करना है जो आपका लक्ष्य है। पिछली रात को ही आपने अपनी दिनचर्या बना लेनी है और अगले दिन आपने उसी दिनचर्या पर काम करना शुरू कर देना। आपका अगला नियम है कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करना। बच्चों, आपको अपने कार्य जो आपने नियमित दिनचर्या में अपने कार्य रखे हैं, आपको उसे पूरा करने के लिए हरदम प्रयास करना है। यदि आपको कुछ बाहर से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कार्य करने से रोक रही हैं, आपने उनको दूर हटाना है और आपने अपना कार्य पूरा करने का प्रयत्न करना ही करना है। कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर लिया आपने, इसके बाद हम व्यर्थ के कार्यों से दूर रहेंगे।
आपको हमेशा व्यर्थ के कार्य से दूर रहना है। जब भी आप पढ़ने के लिए अपनी किताब उठाते हो, आपके मन में 100 चीजें आती हैं, नहीं यार पहले मैं फेसबुक देख लेता हूँ, नहीं व्हाट्सएप देख लेता हूँ, गेम्स खेल लेता हूँ फोन पे, ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर लेता हूँ, तो टीवी देख लेता हूँ, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जब आपकी दिनचर्या में आपका समय पढ़ाई का है तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगना चाहिए। पता है वो बड़ा कठिन है, परंतु आप अगर उसको अपनाएंगे तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और ये बहुत कठिन होता है, परंतु अभ्यास करने से ही आप ये चीज कर पाओगे। बुरी आदतों और कार्यों से दूरी बनाना। आपको हमेशा बुरी आदतों से दूरी बनानी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, समय व्यर्थ नहीं करना है, किसी में फालतू के सोशल नेटवर्क पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको बुरी चीजों से हमेशा बचकर रहना है। अंतिम आपका नियम है अपने कार्यों के प्रति पूरी लगन रखना। तो बच्चों आपको अपने कार्यों के प्रति पूरी लगन रखनी चाहिए, आपको अपने आप से एक वादा करना चाहिए कि मुझे ये दिनचर्या का नियम पालन करना है, तो आपको ये अवश्य ही पालन करना चाहिए। आपको फिर व्यर्थ के कामों में ध्यान नहीं होना चाहिए, दूसरी बाहर की रुकावटें आपके सामने नहीं आनी चाहिए, ना ही आपकी अंदरूनी जो बुरी आदतें वो भी सामने नहीं आनी चाहिए। तो आपका मेन जो है मोटिव जो है वो आपका दिनचर्या को नियमित रूप से पालन करना होना चाहिए। इसी से आप अनुशासन में रहने के आदि बनोगे, और यह बिल्कुल भी सरल नहीं है, आपको कठिनाई होगी, परंतु कठिनाई से जो निकल जाता है वही सफल कहलाता है। हमारे जीवन में कई उदाहरण हैं जो सफल व्यक्तियों के उदाहरण हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अभी हमारे नरेंद्र मोदी, ये अपना नियमित रूप से कार्य दिनचर्या का पालन करते हैं और देखो कहाँ से कहाँ ये पहुँच गए हैं, पूरे विश्व में इनकी व्याख्यान किए जाते हैं। तो बच्चों अनुशासन में रहिए, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, सम्मान की कुंजी है, और जीवन का इसे हिस्सा बनाइए। बच्चों अनुशासन ही सफलता और सम्मान की कुंजी है, इसे अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाइए। अनुशासन में जो रहे वो आगे ही बढ़ता जाए, समय भी उसकी कदर करे, खुशियाँ सब वो पाए। धन्यवाद बच्चों, आशा है आप अपने आप को आत्म अनुशासित करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। नमस्कार।